वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी प्लस प्रोजेक्ट रिकवरी लैंड मैनेजमेंट के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इससे मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया। जी हसन रजा, क्या मजीद गुफ्तगू हुई किन अमूर पर इस इजलास में? देखिए, ये इजलास इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि इसमें पुलिस और इंतजामी अफसरान के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है, जिसमें कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कारकर्दगी का तयन KPI से होगा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशियल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। दही मराकिज माल और PLRA में इंतकाल की बरवक तस्दीक का अमल मुकम्मल करने पर स्कोर अपडेट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से मुतलिक इजलास में बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह प्लस प्रोजेक्ट के तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ के KPI में शामिल है और गरदावरी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का महाना इजलास, वरासती इंतकाल के केसेज में फील्ड रिपोर्ट भी KPI का हिस्सा बनाया गया है। आवाम की सहूलत के लिए इख्तराई इकदाम पुलिस रिफॉर्म से भी तो इन तमाम अमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने हमें तफसील बताई।